शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। ध्यान दीजिएगा। मैथ बहुत लंबा पाठ होता है, लेकिन आपकी जो परीक्षाओं में पूछा जाता है और सिर्फ रेशियो पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को कहा कि मैथ का जो पाठ है वो आपकी जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं और सिर्फ रेशियो बेस्ड ही होते हैं। किस पे होते हैं? रेशियो पे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग आज के पहले जितना भी मैथ पढ़े, जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, उससे मुझे मतलब नहीं है। केवल मतलब है कि आज से आप लोग सही से पढ़ेंगे। हम लोग मैथ को मैथ नहीं बल्कि हम लोग रेशियो समझ के ही पढ़ते हैं, क्योंकि पूरी अंकगणित बनाने की दो ही तरीके आज तक डेवलप हुई है। पहला तरीका जो होता है विद्यार्थी जी, वो होता है जो आप लोग 9th-10th में ट्रेडिशनल मेथड पढ़े हैं, वो समीकरण डेवलप करना, और दूसरा होता है रेशियो डेवलप करना। लेकिन दोनों में एक खास अंतर होता है, जब समीकरण डेवलप करेंगे तो आपको कलम लगाने की जरूरत पड़ेगी, और जब रेशियो डेवलप करने आ जाएगा तो आपको कलम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बात आज हो गई कि हम लोग को जो भी परीक्षा देना है 2020 मैच की तरह हम लोग को देना होता है, मतलब समय भी कम है और रन रेट भी मेंटेन करना है, मतलब रन भी ज्यादा बनाना है। तो कम समय में ज्यादा प्रश्न हल करने की तरीके जो पैदा करेगा वो आपको रेशियो ही पैदा करेगा। इसलिए हम लोग अंकगणित की बेसिक पार्ट को ही हम लोग रेशियो बोलते हैं। मैंने कहा कि अगर रेशियो आपकी कंप्लीट हो गई तो समझ जाइएगा कि 60-70% मैथ आपकी एग्जाम का बन जाएगा सिर्फ रेशियो से। एक बच्चे ने कल पूछा कि सर रेशियो कितने दिन का है, तो मैंने कहा लगभग 1.5 महीने। तो उन्होंने बोला 1 चैप्टर 1.5 महीना। मैंने कहा 1 चैप्टर 1.5 महीना नहीं, मैथ का 60% भाग 1.5 महीना। सही है? तो ये आपका ध्यान से हटा लीजिए। एक बाहर से पढ़ाने वाले एक टीचर हमारी असाइनमेंट ले गए तो पूछे कि क्या सर इतना ही पढ़ाते हैं, इतना ही अंकगणित है? तो उन्होंने बोला नहीं, इतना अंकगणित नहीं, उनकी एक चैप्टर ही रेशियो इतना है। तो उन्होंने बोला इसमें तो सारे चैप्टर डाला हुआ है। तो रेशियो एक ऐसी चैप्टर होती है ना जिसपे हर एक चैप्टर को हम आपको घुमा के दिखा देते हैं, जिससे आगे की चैप्टर हमको पढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाता है। मतलब इसका एक क्वेश्चन और आगे जा करके आपका एक चैप्टर बन जाता है। तब पूरी ध्यान दीजिएगा, रेशियो में मात्र 13 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। कितने क्वेश्चन? 13। और पूरी अंकगणित में मात्र 25 प्रश्न पढ़ने हैं। रेशियो में पढ़ना होता है 13 क्वेश्चन और पूरी अंकगणित में 25 क्वेश्चन। तो पहले हम 13 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो 13 क्वेश्चन जाने के लिए सबसे पहले हम 3 दिन आपको रेशियो के बारे में समझाने में हमको लग जाता है कि रेशियो है क्या, रेशियो को आप कैसे जल्दी से लिखिएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, आज तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें कलम का यूज किया है, और अब हमको जो पढ़ना है दिमाग का यूज करना है। मैंने कहा आज तक जो भी गया, जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल मोड़ जाना है तो आप लोग यहां से पैदल चल के हॉस्पिटल मोड़ पहुंच गए, लेकिन अब जो जाना है अपनी दिमाग से ही बोलना है कि हाँ हम हॉस्पिटल मोड़ पहुंच गए, बोलिए आगे क्या करना है। यानी सारे काम क्या करना है? दिमाग में। तो कोई भी काम जब दिमाग में होती है, आप भी जानते हैं कि सबसे तेज चलने वाली चीजें क्या है, तो हमारी दिमाग ही तेज चलती है। तो दिमाग को आप कितना भी तेज करा सकते हैं इसका कोई सीमा नहीं है। साइकिल की स्पीड लिमिट होती है, बाइक की स्पीड लिमिट होती है, कार की स्पीड लिमिट होती है, लेकिन हमारे दिमाग की कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। आप कितना स्पीड में सोच सकते हैं वो आप पे डिपेंड है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि 3 दिन थोड़ी सी ध्यान से सतर्कता पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि 3 दिन आपको लगेगा इरिटेशन जैसा भी लगेगा कि क्या सर पढ़ा रहे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सब जरूरत ही क्या है? जरूरत नहीं है,
लेकिन उसके बिना हम आगे कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे मकान बनाते हैं ना, तो शुरुआती में 4-5 महीने मकान में लग जाता है, कुछ पता नहीं चलता है मकान में हो क्या रहा है। मकान तो तब पता चलने लगता है जब दीवार खड़ी हो जाती है, तब नीचे जब जा रहा है सारा सामान तो आपकी जमीन के नीचे जा रहे हैं जी। बड़ा बड़ा मकान अगर बनता है तो 5-6 महीने नीचे ही आधा सामान चला जाता है जमीन के नीचे, तो पता ही नहीं चलता। और बाहर से देखने वाले सोचते क्या है, यार ये 6 महीना से कुछ कर ही नहीं रहा। तो बेस तो हमारा वही होता है। तो 3 दिन थोड़ा सा धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये 3 दिनों के लिए आज मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले हम विद्यार्थी जी रेशियो का परिभाषा बताना चाहते हैं। हम अपने अनुसार जो मैं अपने लिए समझा है सीखा है उसे मैं बताता हूं। लिखिएगा अनुपात, अनुपात दो समान राशियों, अनुपात दो समान राशियों, अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है। अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है तथा यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है। संबंध मीन्स रिलेशन। जैसे हम लोग अपने और ऊपर जोड़ते हैं, भाई बहन मम्मी पापा चाचा चाची मौसा मौसी जोड़ते हैं ना, उसी तरह का एक रिलेशन को दर्शाता है। लेकिन ये रिलेशन जब भी दर्शाता है तो दो समान राशि के बीच। समान राशि का मतलब विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब रुपया का रेशियो रुपया के साथ, पैसा का रेशियो और केजी का रेशियो केजी के साथ। ऐसा नहीं होगा कि 5 दर्जन और 25 किलो का रेशियो, ये संभव नहीं है। रेशियो जब भी होगा तो किसके बीच होगा, समान यूनिट के साथ होगा, समान जाति के साथ होगा। जिस तरह से आप लोग जब रिलेशन जोड़ते हैं तो आदमी का रिलेशन आदमी के साथ होता है ना। गाय का रिलेशन आदमी के साथ थोड़ी को होगा, भैंस का रिलेशन आदमी के साथ थोड़ी को होगा, भैंस का रिलेशन भेड़ के साथ थोड़ी को होगा। मम्मी पापा चाचा चाची मौसा मौसी जो भी होते हैं वो किसके साथ होता है, समान जात के साथ होता है। तो उसी तरह से यहां भी ध्यान रखिएगा, पहला चीज मैंने बोला है कि रेशियो जब भी होगा तो दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब दो समान राशि का मतलब मैंने समझाया आप लोगों को कि कोई बंदा पूछ दे कि 5 केजी और 300 ग्राम का रेशियो बताइए, 5 केजी और 300 ग्राम का रेशियो बताइए, तो आप बोलिएगा कि रेशियो तभी संभव है जब दोनों का यूनिट सेम हो जाए। दोनों का यूनिट क्या हो जाए, तो 5 केजी को हम लोग 5000 ग्राम बोल सकते हैं और 300 ग्राम तो है ही है। अब दोनों ग्राम हो गया विद्यार्थी जी, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, अर्थात हम लोग का रेशियो कहलाएगा कितना, 50:3। अर्थात अनुपात जब भी होगा तो किसके बीच होगा, समान राशि के साथ होगा। याद रह जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा, ध्यान दीजिए, एक सप्ताह और
72 घंटा का अनुपात बताइए, 72 घंटे का अनुपात बताइए, एक सप्ताह और कई घंटा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सप्ताह अलग यूनिट लेकर आया है घंटा, तो अब जब तक रेशियो आप प्रकट नहीं कर पाइएगा विद्यार्थी जी, जब तक कि दोनों का यूनिट सेम ना हो जाए। तो एक सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है, और एक दिन में 24 घंटे ना, इधर 72 घंटा। क्या आप लोग को अब रेशियो दोनों घंटा में हो गया? तो जब भी रेशियो प्रकट करना विद्यार्थी जी, तो ये आप लोगों को अगर घंटा है तो ये भी घंटा, अगर ये दिन है तो ये भी दिन। अब जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा, 24 या 72 यानी 7:3। क्या आप लोग को एग्री है इसके लिए? तो जब कभी भी अनुपात होगा तो किसके बीच होगा? समान राशि के साथ होगा। याद रह जाएंगे तो एग्जाम्पल के लिए भी लिख लेंगे। लिख लीजिए, कभी काम आएगा जब दूर आइएगा कॉपी, तब नहीं तो भुला जाइएगा। समान राशि का मतलब क्या होता है? तो समान राशि का मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। एग्री है? बढ़े आगे, मिटाया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात कर रहा है, यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का, ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों से कई एक बार पूछा बहुत सारे विद्यार्थी से कि 1:3 का मतलब क्या होता है, तो विद्यार्थी जी बोल देते 1/3। मैं पूछता हूँ 1/3 का मतलब क्या होता है, तो बोल देते 1:3। यानी मैंने कहा कि आपने कंफ्यूजन क्लियर नहीं किया, राम का घर किधर है तो श्याम के सामने, श्याम का घर किधर है तो राम के सामने, फिर पूछा राम का घर किधर है तो श्याम के सामने, क्या ये एड्रेस फुलफिल करेगा आपका? ये तो दोनों हम लोग नानोन है। तो मैंने कहा 1:3 का अर्थ आप समझ लीजिए, सीखिएगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं विद्यार्थी जी, 7 रुपया और 35 रुपया का अनुपात होता है विद्यार्थी जी, 7 रुपया और 35 रुपया का अनुपात होता है 1:5। 1:5 को हम लोग 1/5 भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है विद्यार्थी जी कि 7 रुपया जो है 35 रुपया का 1/5 गुना है। क्या ये बातें सही है? अपने अनुसार देखिए, 7 रुपया जो है 35 रुपया का 1/5 गुना है। तो आज के बाद कोई बोल दे कि 1:3 का मतलब क्या होगा, तो आप लोग 1/3 नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि पहली राशि जो है दूसरी राशि का 1/3 गुना है। दूसरी राशि का कै गुना है? क्या आपको रेशियो का मतलब समझ में आ गया? 1:3 का मतलब क्या होगा? पहली राशि दूसरी राशि का 1/3। मैंने आप लोगों से पूछा विद्यार्थी जी कि 5:3 का मतलब बताइए, तो आपको बताना होगा कि पहली राशि जो है वो दूसरी राशि का 5/3 गुना है। कई गुना है? 5/3 गुना। क्या आपको रेशियो का कंसेप्ट समझ में आ गया? तो पहली चीज है, रेशियो का परिभाषा समझ में आ गया, सीखिएगा। रेशियो दो समान राशि के बीच के संबंध को बतलाता है, समझ में आ गया। यह संबंध यह बतलाने आता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। पहली राशि दूसरी राशि का 1/3 गुना, पहली राशि दूसरी राशि का 5/3 गुना। तो आज के बाद कोई बंदा अगर आपसे पूछ ले कि 4:5 का मतलब बता दो, तो आपको तुरंत जवाब देना होगा कि पहली राशि दूसरी राशि का 4/5 बोलने आ जाएगा। अगर इतना बोल देंगे
तो अगली बार क्वेश्चन उठाने के पहले सोचेगा कि यार इसको रेशियो की पूरी कंसेप्ट पता है। अगर गलती से 4:5 का मतलब 4/5 बोल दीजिएगा तो कहेगा इसका जानकारी छिछलापन है, ऊपर ऊपर है, कोई ज्यादा जानकारी। लेकिन अगर आप लोग को 4:5 का मतलब समझ में आ गया कि पहली राशि दूसरी राशि का 4/4 सही है, कहीं लिखा हुआ था दूध और पानी का रेशियो 7:3 है, तो हमने लिखा विद्यार्थी जी दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 7/3 गुना है, 7/3। दूध और पानी का रेशियो 7:3 का मतलब दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 7/3 गुना। क्या हमारी बातें समझ में आ गई, क्लियर है, रेशियो का परिभाषा समझ में आ गया। तो चलिए अब इस पे कुछ बातें करते हैं, सारी बात इसी से रेशियो की परिभाषा से ही निकलेगा। तो पहला लिख इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखने जाइए, मात्र 9 बातें बोलूंगा पूरी अंकगणित के लिए, कितने टर्म, मात्र 9 टर्म। जहां भी दिक्कत हो जरूर बोलिएगा, मैंने पहले ही बोल दिया है कि 3 दिन इरिटेशन लगे तो भी पढ़ना है। पहला लिखिएगा ए अनुपात बी को a/b के रूप में भी प्रकट किया जाता है। बिल्कुल जानते हैं ना, a/b को a/b के रूप में भी लिखें तो किन्हीं को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, सही है। अर्थात कहीं लिखा रहेगा विद्यार्थी जी 2:3 तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2/3, सही है। चल दूसरा, दूसरा लिखिएगा अनुपात के प्रत्येक पद को अपनी आवश्यकता कैसे लिखाएगा, अच्छा ही आप समझ लीजिएगा, आवश्यकता अनुपात के प्रत्येक पद को अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या से गुना अथवा भाग कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा 0 को छोड़कर, एक्सेप्ट 0 को, अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से आप गुना करेंगे तो आपको कोई मना करने वाला नहीं है। यही पूरी अंकगणित में एक तलवार मिली है हमको झगड़ा करने का, लड़ाई करने का। अपनी दिमाग यही पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे मर्जी वो गुना कर सकते हैं, और कोई अस्त्र हमारे पास अंकगणित में मिला नहीं है। अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से हम गुना कर ले तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन 0 को छोड़। जैसे कहीं लिखा रहे 2:3:4 लिखा हुआ था, अगर मुझे इसमें 5 से गुना करने की जरूरत हो गई
तब पूरे को आप 5 से गुना कर लें, आप लोगों को कोई मना करने वाला नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा कि कहीं 7:5 लिखा हुआ था, अगर इसको मुझे 3 से गुना करने की जरूरत हुई तब पूरे को अगर हम 3 से गुना कर ले तो आप लोगों को कोई इतराज होना नहीं चाहिए। लेकिन आवश्यकता कब पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा। अभी केवल याद रखना है कि आप किसी भी संख्या से गुना करिए, किसी को कोई इतराज नहीं है, सही है। लेकिन जीरो को अगर 0 से गुना कर देंगे तो सब 0 ना हो जाएगा, फिर रेशियो ही गड़बड़ हो जाएगा। तो अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुना कर दे तो आप लोगों को कोई इतराज होना नहीं चाहिए, सही है। एग्जाम्पल में इसको लिख लेंगे, गप नहीं गप नहीं, हम ना समझ में आए तो पूछिएगा। लिखा गया, नेक्स्ट। जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे, भिन्न के रूप में दिया रहे, फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो सर्वप्रथम हमें उनके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर लें। जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो सर्वप्रथम उसके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर लेंगे। एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। कहीं भी लिखा था अनुपात 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4। तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिखाई देना तो सबसे पहला काम है नीचे वाले के एलसीएम से सबको क्या कर ले, क्योंकि किसी भी संख्या से गुना करने का अधिकार है। तो यहां किससे गुना करेंगे, एलसीएम से। 4 3 2 का एलसीएम 12 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 6 4 3, हा या ना, ध्यान में रखने के लिए केयर कीजिएगा। मैंने कहा हम लोगों का एक संस्कार घर में मिला था क्या भाई, कि कोई भी गेस्ट आपके घर आए तो सबसे पहले बैठने के लिए कहना चाहिए, यही ना संस्कार मिला हम लोग को। दादा दादी हम लोग को सिखाए होंगे कि बेटा अगर घर पे कोई दरवाजे पे आए तो तुरंत मत पूछने लगना, सबसे पहले उनको बैठने के लिए कहना, हाँ या ना। हम लोग के गांव में पीढ़ा रहता था, देते थे बैठिए, आपके घर में कुर्सी है आप देते होंगे भाई पहले। लेकिन आज की तो संस्कार उल्टा है, कोई आते हैं पहले पूछते हैं कौन, पापा नहीं है, हाँ या ना। अब पूछना भी आज के डेट में जरूरी है, क्योंकि हमारे गांव का कुछ और था सिस्टम, यहाँ के सिस्टम कुछ। लेकिन जब कभी भी आपके रिलेटिव कोई आए तो जरूर अभी भी संस्कार रखना कि जब कोई आपके पास कोई रिलेटिव आए तो सबसे पहले उन्हें क्या करना है, बैठने के लिए कहना है। तो देखिएगा भाई, ये रिलेटिव आके हमारे मुंह पे खड़ा है तो क्या करेंगे, इनको बैठने के लिए पीढ़ा दिया, कुर्सी दिया, जिसका नाम 12 था। क्या था, अब 12 से गुना करेंगे 6 4 और 3। तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में हो तो सबसे पहला काम है उनके हरों के एलसीएम से सबको क्या करेंगे, गुना। जैसे विद्यार्थी जी कहीं लिखा हुआ था 2/3 4/5 और लिखा हुआ था 5/6, तो आप लोगों को सबसे पहला काम है इसके हर का एलसीएम 6 5 3 का एलसीएम 30 से गुना करने के तरीके भी सीखिए। 30 लाने के लिए इसको कैसे गुना,
दस से तो दस दुनी बीस, तीस लाने के लिए छह से तो छह चौ, तीस लाने के लिए पांच से तो पचे, क्या आप लोग को लिखने आ जाएगा? तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो सबसे पहला काम है विद्यार्थी जी उसके हर के एलसीएम से सबको क्या करेंगे, गुना, याद रह जाएंगे। नेक्स्ट, आप लोगों ने अभी लिखा था इसके पहले अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या से गुना करेंगे, तभी हमें आवश्यकता मिल गई कि हम लोग को फ्रैक्शन में कोई भी जोड़ घटाव करना टफ लगता है, अपेक्षाकृत सिंपल का, हाँ या ना? कोई दो बटा तीन, एक बटा दो जोड़ने कहे और एक बटा तीन जोड़ने कहे और एगो कहे दो और तीन को जोड़ो, कौन आसान लगेगा आपको? इसको जोड़ना, इसका जोड़ना ज्यादा आसान लग रहा है, इसलिए हम लोग आसान काम करने के लिए अनुपात को सबसे पहले फ्रैक्शन को किस में बदल लेते हैं, पूर्णांक में बदल लेते हैं, सही है? क्योंकि पूर्णांक का जोड़ घटाव करना हमारे लिए ज्यादा इजी होता है बनिस्पत भिन्न के, सही है? तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो सबसे पहला काम है उसके हर के एलसीएम से सबको क्या करेंगे, गुना, याद रह जाएंगे ना। आगे नोट नंबर चार लिखिए, जब दो या दो से अधिक राशियां, जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशियंट, हिंदी होता है गुणांक, कोफिशियंट को, गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख लें, व्युत्क्रम, इसको इनवर्स पढ़ते हैं, व्युत्क्रम के रूप में लिखें, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो अनुपात प्रकट करने के लिए उसके कोफिशियंट को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, मतलब उल्टा कर लेंगे, सही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीखिए, कहीं लिखा रहेगा 5a = 6b, तो हम लोगों को ए अनुपात बी लिखने की तरीका है विद्यार्थी जी, व्युत्क्रम का मतलब ए भी होता है, ए वाले बी के लिए, बी वाले तो ए का कोफिशियंट बी के पास, बी का कोफिशियंट, अर्थात आंसर हो जाएगा, जल्दी बोलिए, क्या आप लोग जल्दी से बोल सकते हैं? लिखा रहता बार बार आएगा कि पांच वस्तु का क्रय मूल्य चार वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पांच वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस चार वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आप लोग को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखने में 1 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए, जल्दी से उलट देंगे कोफिशियंट को, इधर चार इधर पांच, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? तो जब कभी भी दो राशि आपस में बराबर रहे तो उलटने के तरीके हैं, पहला का कोफिशियंट दूसरा के लिए, दूसरा का कोफिशियंट पहला, याद रह जाएंगे। लेकिन अगर तीन चार राशियां रहे तब कैसे काम कीजिएगा, कहीं गड़बड़ लगे तो पूछिएगा। लिखा था 2a = 3b = 4c = 5d, अब मुझे निकालना था a अनुपात, b अनुपात, c अनुपात, d।
अब सीखिए, व्युत्क्रम का मतलब ये भी होता है विद्यार्थी जी, दो का उल्टा एक बटा दो, तीन का उल्टा एक बटा तीन, चार का उल्टा और पांच का उल्टा। तो जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशियन को व्युत्क्रम में लिखते हैं। तो इसका कोफिशियन दो है तो दो का उल्टा एक बटा दो, तीन का उल्टा एक बटा तीन, चार का उल्टा और पांच का उल्टा। क्या आपको लाइन समझ में आ गया? लेकिन अनुपात भिन्न के रूप में आ गया तो हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा रिलेटिव हमारे दरवाजे पे खड़ा रहे, हमारा रिलेटिव हमारा संबंधी हमारे घर पे दरवाजे पे खड़ा रहे, बर्दाश्त करेंगे? नींद आएगी घर में? नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? बैठने के लिए देंगे। अगर ना बैठना चाहे तो दो चार लाठी मार के गोड़ हाथ तोड़ के बैठा देंगे। कैसे? दो तीन चार पांच कैल्शियम 60 से गुना करिएगा 30 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और बोलिए, और बोलिए, सही है? शुरुआती में हम ऐसे ही पढ़ाते थे लेकिन अब कह रहे हैं लाइन छोड़ दो। व्युत्क्रम लिखने की भी एक तरीका, नया तरीका सिखाते हैं। ये बराबर ही ना करना है तो आप बताओ भाई, दो तीन चार पांच से कटने वाली राशि तो 60 लाने के लिए यहां कितना रखना होगा? 30, यानी एक का मान 30। 60 लाने के लिए यहां 20, 60 लाने के लिए यहां 15, 60 लाने के लिए तो सब 60 60 60 नहीं बराबर हो जाएगा तो हम लोग का रेशियो हो जाएगा 30 20 15। और क्या आपको समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल आप अपने लिए लिख लीजिए, लिखा जाए 5a = 6b = 10c। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, जल्दी लिखें, ए अनुपात बी अनुपात सी, जल्दी लिखें। जल्दी ध्यान दीजिएगा, 5, 6, 10 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए विद्यार्थी जी 6, 5, 3। आप लोग को रेशियो लिखने आ गया एक सेकेंड में? गलती से आप कटने वाली राशि 60 भी सोच लीजिएगा तो कोई दिक्कत, अंतिम में कट के यही आ जाएगा, सही है? तो टेंशन नहीं लेके चलिए कि 30 की जगह हम 60 पढ़ लिए तो गलत हो जाएगा, गलत उलत होने वाला नहीं है। फिर से हम लिखते हैं, लिखिएगा 12a, 15b, 20c, 30d। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, बताइए। बारह पंद्रह बीस तीस से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 5, 4, 3, 2। क्या आप लोग को रेशियो लिखने आ गया विद्यार्थी? तो जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात लिखने की तरीके सीख लिए। हाँ, दो ही गो रहेगा तो क्या करिएगा? उलट दीजिएगा। लेकिन तीन चार पांच गो रहेगा तो जल्दी से कटने वाली राशि ढूंढ लेंगे। चलिए एक और लिखा हुआ था विद्यार्थी जी, 3/2a, 5/6b, 2/3c। तो अब आप लोग को बताना है विद्यार्थी जी, ए अनुपात बी अनुपात सी इस रूप में रह सकता है ना आप लोग एग्जाम? सीखते सीखिए सीखिए, बढ़ाइए नहीं। अगर
आपके मन में अगर लगे कि अभी नहीं पढ़े तो इतना तो जरूर पढ़े कि उलट देंगे तो 3/2 का उल्टा और 5/6 का उल्टा और बोलिए 2/3 का उल्टा। अब नीचे के एलसीएम से गुना कर लीजिएगा, जल्दी बोलिए 3 5 2 का एलसीएम 30 से गुना करिएगा 10 बार में 10 × 20, 30 से गुना करिएगा 6 बार में 6 × 6, 30 से गुना करिएगा 15 बार में 15 × 3। क्या आपको समझ में आया? लेकिन आपको इतना नहीं करना है, लाइन को गायब करना है, सीखिए। इस रूप में भी रहेगा तो डरने की कोई चांसेज नहीं, सीखिएगा। 3 5 2 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए इसको कैसे गुना? 10 से 2 उलट के ऊपर जाएगा था दादुनी, 30 लाने के लिए 6 से 6 उलट के ऊपर जाएगा 6 × 6, 30 लाने के लिए 15 से 3 उलट के ऊपर जाएगा 15 × 3 = 45। क्या आपको समझ में आया? तो एक आप लोग फिर से लिखिएगा, मिटाऊं, लिखिएगा 4/5 / 6 भी 10/11 सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, बन गया। सीखते हैं। 4 5 10 से कटने वाली राशि 20 लाने के लिए 5 से गुना, 5 ऊपर 5 × 5, 20 लाने के लिए 4 से गुना 6 × 6, 20 लाने के लिए 2 से गुना 11 ऊपर 11 × 2। क्या आप लोग को रेशियो लिखने आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात पर कट करने की तरीके सीख लिए। आगे लिखिएगा नोट नंबर, लिखिएगा हेडिंग दीजिएगा, 2 राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, 2 राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। हेडिंग दीजिएगा, 2 राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। लिखिएगा, दी गई राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता है। अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा होता है। अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता है। अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, उसे हर मानेंगे। तथा दूसरे को अंश। हम कहना क्या चाह रहे हैं जरा शांतिपूर्वक समझिएगा। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, कहीं मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैंने अपने सर्च के अनुसार यही समझा है।
जिस तरह से आप लोगों ने बचपन में रटे थे, जिसके अंत में था है थी है ते है प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े थे ना, तो मैंने आप लोगों के लिए पूरे एकदम पूरे यूनिवर्स की रेशियो की बात कर रहा हूं कि जहां कहीं भी रेशियो रहेगा उसके पहले काया से रहवे करेगा। बोलिएगा सर मुझे विश्वास नहीं है कि आप बोल रहे हो सही बात है, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। रेशियो का मतलब होता है रिलेशन, रेशियो का मतलब रिलेशन। हम लोग रिलेशन का मतलब यही जानते हैं, मम्मी पापा चाचा चाची भाई बहन मौसा मौसी चाचा चाची, यही ना। तो मैं एक छोटा सा रिलेशन लिख रहा हूं, देखिएगा। श्याम का पिता, किन्हीं का नाम होगा तो माफ करिएगा, श्याम का पिता रोहन है। एक सेंटेंस समझ में आ गया, श्याम का पिता, पिता के जस्ट पहले का आया। मैं पूरी हिंदी की डिक्शनरी आपको देता हूं, लेकिन मैंने कहा यहां काया से नहीं लगाना, और सेंटेंस पूरा करके बताओ, सोच कैसी नहीं। काया से नहीं देंगे, और आपको लिखना है इस सेंटेंस को। मतलब अर्थ समझ रहे ना कि श्याम का पिता रोहन है, मतलब रोहन पापा है किनके, श्याम का। अब इसको आप अपनी भाषा में किसी तरह भी तोड़ ताड़ के लिखिए, लेकिन पिता के पहले का से नहीं लगाइए। श्याम रोहन पिता है, श्याम रोहन पिता है, कोची पिता है, नहीं ना होगा। तो इसी तरह मैं समझ गया आप लोगों से कि आप हमारी बात से सहमत हैं कि रिलेशन के जस्ट पहले काया से होना चाहिए, हाँ या ना। अब जिसमें काया से लगा रहेगा वो हर कहलाएगा और दूसरा अंश, जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आइएगा नहीं अभी, क्या कीजिएगा। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश के लिए का की जगह क्या लिखा रहेगा, ये तो सब जानते ही है, तो ध्यान दीजिएगा। राम की आयु श्याम की आयु का पांच बटा, अब ध्यान दीजिए रेशियो जो है पांच बटा चार, इसके जस्ट पहले का लगल होगा, है का लगा हुआ। अब क्या जो लगल है वो राम की आयु में कि श्याम की आयु में, तो श्याम की आयु में, यानी श्याम की आयु अगर चार तो राम की आयु, तो आप लोग का रेशियो पूछ रहा राम और श्याम का, यानी आंसर कितना बोलिएगा। ये नहीं पूछेगा तो परीक्षा में इतना आसान, लेकिन इसके बिना एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आपको पढ़ना कैसे सीखे, राम की आयु आप लोग मत बोलिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में चल जाइएगा। राम की आयु श्याम की आयु का पांच बटा चार गुना है, तो पांच बटा चार गुना के पहले का लगा हुआ है, तो जिसमें का लगा रहे उसको हर और दूसरे को अंश। तो श्याम की आयु में का लगा हुआ है, यानी श्याम की आयु चार तो राम की आयु पांच। डायरेक्ट दिमाग में रखिएगा पांच अनुपात चार, क्या आंसर देने आएगा। फिर से समझिएगा, रीना की वर्तमान आयु विवाह की आयु का सात बटा चार गुना, सात बटा चार गुना के पहले काके की है ना, तो सात बटा चार गुना, तो विवाह की आयु में का लगा है, विवाह की आयु चार तो वर्तमान आयु, तो कोई पूछेगा वर्तमान आयु और विवाह का रेशियो तो सात अनुपात, तो देखिए पूछ रहा वर्तमान आयु विवाह की आयु, तो आंसर क्या लिखिएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है एक दुल्हन, अभी हड़बड़ाइए नहीं। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस में का लगल है विद्यार्थी जी, तो कॉस्ट प्राइस तीन और सेलिंग प्राइस, तो रेशियो पूछ रहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, आंसर हो जाएगा तीन अनुपात। पहले क्या लिखा हुआ, तो क्रय मूल्य कितना लिखे हैं, अब विक्रय मूल्य, क्या आंसर एक लाइन में देने आएगा। फिर से समझिए, अभी हड़बड़ाइए नहीं।
निश्चित मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य में का लगा ले, विक्रय मूल्य हो जाएगा 7 तो निश्चित मूल्य हो जाएगा। तो रेशियो पूछ रहा है विक्रय मूल्य और निश्चित मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 7, निश्चित मूल्य हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? फिर से समझिएगा, चीनी और पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का, पूरे घोल में ना का लगल है, तो पूरा घोल अगर 13 तो पानी हो जाएगा। जल्दी बोलिए, पानी की मात्रा पूरे घोल का रेशियो किसके किसके बीच है? पानी और पूरे घोल में ना, पानी की मात्रा पूरे घोल का, पूरे घोल में का लगल है, पूरा घोल अगर 13 तो पानी, तो पूछ रहा रेशियो किसका? तो पूरा 13 जिसमें पानी है 6 यानी चीनी हो जाएगा। तो चीनी और पानी का रेशियो नहीं बोल देंगे। आया समझ में? हम कुछ ज्यादा फास्ट नहीं ना बोल रहे हैं, देखिएगा पानी, देखिए रेशियो जब भी होगा तो 2 ही के बीच होगा, 3 के बीच संभव। दुनिया में जितना भी रिलेशन आता है विद्यार्थी जी, वो 2 के बीच ही होता है। अगर 3 नाम आते हैं तो 2 को ग्रुप बन जाता है, जैसे राम और मोहन का पिता सोहन है, मतलब राम और मोहन एक साथ और सोहन, सही है ना? तो रेशियो जब भी होगा तो किसके बीच होगा? 2 के बीच। और जब 2 के बीच होगा तो एक को हर कहेंगे और दूसरे को अंश। पानी की मात्रा पूरे घोल का, पूरे घोल में का लगल है, नहीं पूरा घोल अगर हो गया 13 जिसमें पानी हो गया विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए 6, इसका मतलब चीनी हो गया। जल्दी बोलिए, क्या आपको समझ में आया? पानी की मात्रा पूरे घोल का, यानी रेशियो घोल और पानी में दिया हुआ है, रेशियो किस में दिया हुआ है? घोल और, घोल है 13 जिसमें पानी है 6 यानी चीनी हो जाएगा। जल्दी बोले, तो चीनी और पानी का रेशियो यानी 7:6, चीनी और पानी पूछ रहा है, तो चीनी 7 और पानी, फिर से एक धनराशि ए और बी में इस प्रकार बांटी गई है कि बी का भाग बी और ए के कुल भाग का, कुल भाग में का लगल है, तब बी और ए के कुल भाग में का लगा है, यानी कुल भाग अगर 7 तो बी का भाग 3 यानी ए का भाग, तो रेशियो किसका पूछ रहा? यानी 4:1। फिर से समझिए इस लाइन को, हवा के मत पढ़िएगा। बी का भाग बी और ए के कुल भाग का, किसमें का लगल है? बी और ए के कुल भाग में ना का लगल है, तो कुल भाग को अगर 7 पढ़ेंगे तो बी के भाग को, तो पूरा 7 जिसमें बी 3 यानी ए कितना, यानी रेशियो हो जाएगा 4:3। क्या आंसर देने आ रहा है आप लोग को? फिर से समझने का प्रयास कीजिए। कुल विद्यार्थी का 2/7 लड़कियां है, कुल विद्यार्थी का, कुल विद्यार्थी में का लगा लेने, टोटल 7 तो लड़कियां यानी लड़का, तब रेशियो किसका पूछ रहा? लड़का लड़की का 5:5। क्या आंसर देने आ जाएगा? 2-4% सीखे तभी मात्र हम लोग कई पॉइंट पे हैं, 4 पॉइंट कर ले चलेंगे, 9 ही पॉइंट होता है। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी बंद कर लो पहले। बंद कर लिए तब ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्योंकि जो भी सीखे हैं घर पे जाके अगर उस पर प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर भुलाने में भी ज्यादा देर। हम लोग पढ़े हैं कोई भी चीज अगर 1 महीने में 3 बार टकरा जाती है तो हम आसानी से भूलते
भूलना तो किसी को भी भूल सकते हैं, लोग माँ बाप को भूल जाता है, नहीं आप लोग भी उसी में से हैं, नहीं ना? चलिए ऊपर वाले से मनाएं कि आप लोग उसमें से एक भी नहीं है। तो भूलने की चीजें तो कुछ भी भूल सकता है, लेकिन मैंने कहा कि अगर एक दिन एक महीने के अंदर अगर कोई भी चीजें तीन बार टकरा जाए तो हम आसानी से उसे भूलते नहीं है, इसलिए कोई भी चीज हमें तीन बार दोहराना पड़ता है और आसानी से आप दोहराते भी नहीं। इसलिए हमने अपनी असाइनमेंट ऐसा तैयार किया है कि आपको एक महीने में तीन बार नहीं बल्कि एक महीने में ये 300 बार आपके पास टकराएगा। कितनी बार टकराएगा? अब कोई बंदा अगर आपसे 300 बार टकराया है क्या आप भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। तो आपके लिए टकराने के लिए होमवर्क मैं लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं, पहली क्लास है, टाइप लिखिएगा फर्स्ट पूरा, टाइप फर्स्ट का नेचर वन, पूरा नहीं, रुके रुके रुके, टाइप फर्स्ट का नेचर वन पूरा, आशा करें आप बना लेंगे। अब आपको बातें रह गई, किताब मिलेगा कहां? तो आप इससे जस्ट ऊपर जाएंगे और ऑफिस से आप किताब ले लेंगे, ऑफिस से क्या करेंगे, किताब ले लेंगे रेशियो का। सही है? नहीं सुन रहे? शांत से, शांत शांत हो जाइए, क्या बोलते हैं हम सुनेंगे तब ना जवाब देंगे, और सब चिल्लाएंगे, शांत होइए। अब जो बोलना है एकाएक ही बोलिए, क्या बुक के लिए 150 रुपये ऊपर जमा करें और बोलिए। पीडीएफ का है आपके पास, कोई लेंगे उनसे फोटोकॉपी करा लीजिएगा। पीडीएफ से मोबाइल से कोई पढ़ सकता है? और ईमानदारी एक चीज बता रहा हूं, समझ ले, पीडीएफ डाला हुआ है। दूसरी चीज मैं बता दूं, रे रखा अभी ध्यान दीजिएगा, आप लोग बच्चे हैं, मतलब आपकी सारी पाठ पुर्जाएं नए हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपके शरीर की हर एक पाठ पुर्जा कमजोर होते जाएगा। तो जिस तरह से ध्यान दीजिएगा, हम लोग पैसे कमाने के लिए सोचते रहते अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छे काम चाहिए, सोचते या नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा उससे भी ज्यादा जरूरी सुनिएगा, और गप करना है तो चले जाइए, मैं जो बोल रहा हूं समझने का प्रयास करें। तो जिस तरह से आप पैसे कमाने के लिए अच्छी नौकरी की जरूरत है, अच्छे काम की जरूरत है, और उस पैसे से आप करेंगे क्या, तो ध्यान दीजिएगा नट से लास्ट में, अभी नहीं, अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि आप बच्चे हैं, लास्टली यही होगा कि उस पैसे को आप अपने शरीर में लगा देते। तो बेहतर है कि हमें ध्यान में इस बात पे भी रखना है कि शरीर को अच्छा रखते हुए ही पैसा कमाना चाहिए। अब पैसे बहुत ज्यादा कमा ले और उस सारा का सारा पैसा फिर शरीर में लगा दे, यानी कहने का मतलब है कि तालाब से मछली तो पकड़े और फिर सारा मछली को खुद ब खुद तालाब में डालना पड़े, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई होने वाला नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, मोबाइल पे आप इतनी ज्यादा काम कर रहे हैं, विश्वास कीजिए सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी आंख पे पड़ती है। और आदत आज की डेट में हो गया, हम हो या कोई हो, अगर कोई नहीं मिल गया तो मोबाइल को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और आपको लगता है कि हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हमारा आंख का होता है। और जैसे ही आंख कमजोर होगा सर दर्द पकड़ना, और सर दर्द पकड़ लेगा तो कोई भी काम आप संभव, चूंकि हमारी सीपीयू तो यही ना है, जैसे कंप्यूटर का दिमाग होता है,
तो ध्यान दीजिए, पीडीएफ आपका डाला हुआ है, फिर भी आप लोग को लग रहा है पीडीएफ से पढ़ना तो उसमें डाला हुआ है, लेकिन हमारी बात समझेंगे तो पीडीएफ से पढ़ाई संभव नहीं है, वो सिर्फ आप चलते चलते देखने की चीजें हैं। तो आप लोगों को जैसे अच्छा लगे आप अपना काम कीजिए।